हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोंटी जनसेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें फॉर्म दोस्तों भरे जा रहे हैं, ऑफलाइन वैकेंसी है, तो आपको पूरा वीडियो समझना पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आ पाएगा दोस्तों। तो अगर आप समझना चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक। तो अभी थोड़ा सा एक काम कर देना है, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे आने वाले वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले थोड़ा मैं वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सैलरी आपको 29,000 से लेकर 92,000 के बीच सैलरी मिलेगी। बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। इसमें अलग अलग पोस्ट आपकी निकाली गई है, तो जिस पोस्ट के लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वैकेंसी को। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये फॉर्म है, ये आपको ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन कैसे भरना है? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म द फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट के नेम डालना है। फिर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रेफरेंस डेट एंड ट्रांजैक्शन आईडी डालना है। फिर आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लेस ऑफ द बर्थ आपको डालना है, नेशनलिटी इंडियन डालना है, धर्म आपका कौन सा है, आप मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट करना है, सिंगल है मैरिड है वो सेलेक्ट करना है, SC ST OBC DLS कैंडिडेट जो भी है वो सेलेक्ट करना है, PWD है, एक्स सर्विस मैन है, यस करना है, इनमें से यस या नो में देना है जवाब। उसके बाद आपको एड्रेस आपको फिल कर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयड की डिटेल आपसे मांगी जा रही है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जैसे कि डेट ऑफ पासिंग, डिवीजन, ग्रेड, परसेंटेज जो भी है। उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम, इस तरह से डालिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नीचे आएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना डालना है, पोस्ट होल्डर बाई रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द रेफरेंस नंबर। उसके बाद रिमार्क में ये चीज़ आपसे बोली जाएगी ना, आप पढ़ के यस या नो में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अन्य अदर जो भी आपके पास है उसकी डिटेल डाल सकते हैं, और जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड मतलब सेलेक्ट किए हैं इसमें दिए हैं, उसे आप यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, प्लेस का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब आप समझ लीजिए पेमेंट आप कहाँ से करेंगे, पेमेंट कैसे कैसे होनी है इसकी। तो नीचे आना है, स्ट्रोल करते हुए आपको ये भेजना कहाँ पे है वो भी आपको मैं बता दूँ थोड़ा। तो दोस्तों जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पेमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो पेमेंट आप देख सकते हैं ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन। ये जो फीस है 300 रुपये वो सिर्फ MTS पोस्ट के लिए है, बाकी अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये आपको पे करने हैं। पे किनको करनी है? जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों, उनके लिए पेमेंट रखी गई है। MTS की 300 रुपये फीस है और बाकी पोस्ट की 500 रुपये फीस है। अगर आप मान लिया SC ST या PWD या एक्स सर्विस मैन से आते हैं, तो आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीमेल के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, भरे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट के लिए पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पेमेंट आपको कैसे करनी है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे SBI के माध्यम से, आपको यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है NITT, ये इतना सर्च करना है, इस पर आप क्लिक कर दोगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें से आपको क्या करना है, रिकमेंड एप्लीकेशन फीस, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना उसका नंबर डालना है, पोस्ट कोड डालना है, ये सारी चीज़ आपको डालनी पड़ेगी दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इसका नंबर है, ये वाला नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन में जाएंगे, तो सबसे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट। ये देख सकते हैं, ये वाला नंबर आपको डालना है, ये नंबर आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे। उसके बाद आपको पोस्ट पोस्ट अप्लाइड पोस्ट का नाम डालना है, नाम अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, और फीस कितनी भरी है आपने वो डालना है। फिर नीचे आएगा, यहाँ पर नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर आई एग्री करना है, कैप्चा डाल के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आगे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेमेंट आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों पेमेंट आप कर लेना, पेमेंट इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा पेमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, रुपया कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पेमेंट करने के। जो भी आपको ठीक लगा है उससे आप अपना पेमेंट करके पेमेंट काट लेना। उसके बाद आपको इस एड्रेस पर आपको ये भेजना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से एड्रेस पर भेजना है। तो दोस्तों ये जो भेजना है आपको, इस एड्रेस से भेजना है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से दा से ले गए और यहाँ तक, इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, ये यहाँ से ले गए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, 15/10/2024 से पहले पहले, शाम के 5 बजे से पहले पहले ये भेजना है। इस एड्रेस पे मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, इस एड्रेस में भेजना है, नोट कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए आप, इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा आपको ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है द एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ PDF एंड वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, हार्ड कॉपी ये आपसे बोला जाएगा, इसे पढ़ लेना आप अच्छे से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।